की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में मौजूद है और आपको बता दें कि चेयरमैन धीरज गुर्जर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जोधपुर हाउस से बाहर निकले हैं और धर्मेंद्र राठौड़ ने दावेदारों से बायोडेटा लिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। देखिए अब लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और धर्मेंद्र राठौड़ ने दावेदारों से यहां पर बायोडेटा भी लिया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में मौजूद है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चेयरमैन धीरज गुर्जर मुख्यमंत्री से देखिए मुलाकात कर रहे हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र राठौड़ जोधपुर हाउस से बाहर निकले हैं, ये अभी तक की अपडेट है। तो धर्मेंद्र राठौड़ ने देखिए यहाँ पर दावेदारों से बायोडेटा भी लिए हैं, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और देखिए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और दिल्ली से जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में मौजूद है। चेयरमैन धीरज जो गुर्जर है मुख्यमंत्री से अब मुलाकात कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, चेयरमैन धीरज गुर्जर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? जी देखिए, आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है शाम 5 बजे और जो शेष बची हुई 105 सीटें हैं उन पर मंथन होगा। उससे पहले लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। कल देर रात भी गौरव गोगोई से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई थी और शेष बची सीटों पर मंथन हुआ था। तो वहीं अभी धीरज गुर्जर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो फीडबैक है वो कलेक्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उनसे जान रहे हैं कि किस प्रकार का मिजाज है और उनकी तरफ से कुछ सुझाव हो तो वो उनको कलेक्ट कर रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र राठौड़ जो आरटीडीसी के चेयरमैन है वो कुछ मिनटों पहले जोधपुर हाउस से बाहर निकले हैं और यहाँ मौजूद जितने भी टिकटार्थी हैं जो प्रदेश के अनेक कोनों से आए हुए हैं उनसे उनका बायोडाटा लिया है और उसके बाद वहां से निकल गए हैं। तो सैकड़ों की तादाद में प्रदेश भर के कोने कोने से आए हुए टिकटार्थी और उनके समर्थक जोधपुर हाउस के बाहर जुटे हुए हैं। ये तमाम लोग चाहते हैं कि अंतिम दौर में प्रयास किए जाएं क्योंकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और शाम को जो शेष बची 105 सीटें उन पर अंतिम सहमति बन जाएगी और उसके लिए आज फाइनल एक्सरसाइज होगी। तो जो तमाम टिकटार्थी हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अंतिम दौर में इनकी टिकट पर भी सहमति बन जाए और कांग्रेस पार्टी इन पर विश्वास जताते हुए टिकट देते। बिल्कुल लखवीर, दावेदारों से यहाँ पर बायोडेटा लिया जा रहा है, चिंतन मंथन किया जा रहा है और चौथी लिस्ट की भी जो कवायद है वो अब तेज होती हुई कांग्रेस में नजर आ रही है। शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।